नमस्कार, मैं राकेश शिवानी अस्त्रचालक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए ये सार है किसी भी कुंडली की परीक्षण करने का। कैसे कुंडली परीक्षण करते हैं, कैसे किसी भाव को स्टडी करते हैं, हालांकि पीछे मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल्स दी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नियम है वो नियम चाहता हूँ कि आप उन नियम को समझें, रटे नहीं। अगर आप उस नियम को समझेंगे तो किसी भाव की स्टडी करने में आप सक्षम होंगे। रटना नहीं है नियमों को, ये ध्यान रखना है, रटने से ठीक नहीं रहता। आप उस महानियम को समझिए, समझ के उनको कुंडली में यूज कीजिए। जब आप यूज करेंगे तो आप खुद ब खुद रट जाएंगे या खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। तो मैं आपको ज्यादा देर न करते हुए सीधा विषय पर ले चलता हूँ और उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको दिखाया जाए। एक प्रेजेंटेशन मेरा एक बनाया हुआ है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाव कैसे भाव को स्टडी करते हैं उसके बारे में ये प्रेजेंटेशन है। इसका फुल स्लाइड शॉट कर लूंगा तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी करने में। ये देखिए, पहला नियम होता है कि जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे होते हैं। शुभ ग्रह कौन से हैं? शुभ ग्रह हैं जैसे शुक्र, गुरु, पक्षपली, चंद्रमा, बुध। ये शुभ ग्रह कहलाते हैं अगर बुध अकेला हो। ये कंडीशनल हैं, दो ग्रह बुध और चंद्रमा जो है कंडीशनल शुभ ग्रह होते हैं। अगर चंद्रमा पक्षपली हो तो उसको शुभ ग्रह बोलते हैं, और साथ ही साथ अगर बुध किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो या अकेला बैठा हो तो भी उसको सौम्य ग्रह बोलते हैं, शुभ ग्रह बोलते हैं। तो जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे होते हैं, जो भी भाव है कुंडली के, अगर उनमें शुभ ग्रह बैठे होंगे या वो शुभ ग्रह से दस्त होंगे, कोई भी भाव कुंडली का, मान लिया चौथा भाव है, चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं और शुभ ग्रहों से दस्त है, अगर नहीं बैठे हैं बाई चांस और शुभ ग्रहों से दस्त है, तो वो उत्तम फल देते हैं, तो वो चौथे भाव का उत्तम फल देंगे आपको। ये बात ध्यान रखनी है कि शुभ ग्रह किसी भी भाव में बैठे या शुभ ग्रह किसी भाव को देखे तो उस भाव के शुभ फल मिलते हैं। जो भाव अपने स्वामी के साथ होता है वह शुभ फल देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कोई भाव है, तीसरा भाव है, तीसरे भाव में राशि नंबर तीन है, कोई हम काल पुरुषी कुंडली को एक्सेप्ट करते हैं, मेष लग्नी कुंडली को, तो तीन नंबर राशि है। अब तीन नंबर राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। तो अगर बुध खुद बैठा हुआ है तीसरे भाव में तो यह भाव बलि माना जाएगा, क्योंकि भाव का स्वामी खुद भाव के अंदर ही बैठा है। तो उसमें ये होता है कि कोई भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव के अंदर ही बैठा हो या अपने भाव को देख रहा हो तो भाव बलि हो जाता है, क्योंकि भाव का स्वामी वहां बैठा होगा। यदि आप स्वयं अपने घर में होंगे या अपने घर को देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकेंगे। तो इसी प्रकार से किसी भी भाव का स्वामी यदि भाव में बैठा हो या उसको देख रहा हो, अपने भाव को देख रहा हो, तो भाव बहुत बलवन हो जाता है। इसमें एक चीज ये भी है कि जैसे कि हमने बताया कि शुभ ग्रह जिस भाव में बैठे या शुभ ग्रह जिस भाव को देखे वो भाव के फल अच्छे होते हैं, तो क्या अशुभ ग्रह के लिए? हाँ, सीधी सी बात है, अशुभ ग्रह अगर मान लिया आपके मंगल है, शनि है, या आपका सूर्य है जो हमारे क्रूर ग्रह कहलाते हैं, राहु है, केतु है, ये सब हमारे क्रूर ग्रह कहलाते हैं, तो अगर क्रूर ग्रह किसी भाव को देखेंगे, किसी भाव में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है उस भाव का फायदा तो करेंगे नहीं। अगर कोई इस तरह का ग्रह है जो क्रूर है, नेचर से क्रूर है, वो किसी अपने भाव में या आपके घर में आके बैठ गया तो वो आपके घर के फायदा तो देगा नहीं आपको, आके थोड़ा कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा। तो जहां शुभ ग्रह किसी भी भाव में बैठ के अच्छे फल देते हैं या किसी भी भाव को देख के अच्छे फल देते हैं, वहीं अशुभ ग्रह किसी भी भाव में बैठ के या किसी भाव को देखकर उसके फलों में कमी करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात होती है। अब इसमें सिद्धांत ये जो हमारा रहा कि अगर मान लिया कि कोई अशुभ ग्रह अपने ही भाव को देख रहा हो या अपने ही भाव में बैठा हो, एक विपरीत कंडीशन इसमें है, थोड़ा इसके अंदर है कि अगर एक अशुभ ग्रह
एक तो जनरल स्टेटमेंट हो गई कि अशुभ ग्रह जिस भाव में बैठेंगे या जिस भाव को देखेंगे उस भाव की हानि करेंगे। एक दूसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई अशुभ ग्रह अपने ही भाव में बैठा हो और अपने ही भाव को देख रहा हो तो उस भाव की हानि करनी हो जाए, उस भाव की वृद्धि करेंगे, उस भाव को मजबूत करेंगे, उस भाव को बलवान बनाएंगे, उस भाव को स्ट्रांग बनाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली होती है। तो पहला नियम ये बात ध्यान रखने का है, जब भी आप प्रेडिक्शन करें तो ये नियम जरूर देखें कि उस भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं, उन भावों पर कैसे ग्रहों की दृष्टि है। वो सारी चीज चेक करने के बाद ही सारा तारतम्य से आप रिजल्ट बताने की कोशिश करें कि इस भाव के रिजल्ट कैसे हो। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है, एक सिंपल तरीका है कि अगर आप सपोज कीजिए कि दूसरे भाव को स्टडी करना चाहते हैं या तीसरे भाव को स्टडी करना चाहते हैं या लग्न को ही स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी भाव को, जिस भाव का विचार करना हो, जिस भाव का विचार करना हो उस भाव को थोड़ी देर के लिए लग्न मान लीजिए। जिस भाव का विचार करना हो उस भाव को थोड़ी देर के लिए लग्न मान लीजिए और फिर विचार कीजिए कि उस विचारणीय भाव से प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दशम में उस विचारणीय भाव का स्वामी और शुभ ग्रह है या नहीं। आपको मैं रिपीट करके समझाता हूं इस चीज को। आप ये देखिए कि सपोज कीजिए कि आपको तीसरे भाव का विचार करना है तो आप तीसरे भाव की राशि को लग्न माना लीजिए। तो तीसरे भाव की राशि को आपने लग्न बना लिया। अब जब आपने लग्न बना लिया तो फिर क्या कीजिए, आप फिर विचार कीजिए कि उस भाव से, लग्न से प्रथम यानी कि केंद्र में 1, 4, 7, 10 केंद्र में, त्रिकोण में 5, 9 1, 4, 7, 10, 5, 9 और द्वितीय भाव में सेकंड अगर शुभ ग्रह बैठे हो या शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो, या विचारणीय भाव का स्वामी खुद ही वहां बैठा हो तो उस भाव की समृद्धि होती है, समृद्धि कहनी चाहिए। फिर दोबारा से बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि आपको चौथे भाव का विचार करना है कि आपका सुख कैसा रहेगा, आपके पास वाहन कैसा रहेगा, आपके पास खेती कैसी रहेगी, तो आप चौथे भाव को लग्न बना लीजिए। चौथे भाव को आपने लग्न बना लिया तो चौथे भाव को लग्न बनाते ही उससे होगा क्या, आप ये चेक कीजिए कि चौथे भाव से केंद्र में, त्रिकोण में और दूसरे भाव में, यानी चौथे से दूसरा भाव, चौथे से केंद्र हुआ आपका खुद चौथा, सातवां, दसवां भाव और चौथे से त्रिकोण हुआ, चौथे से पांचवा और नवा भाव, उसमें कोई शुभ ग्रह या शुभ ग्रह का प्रभाव है। तो आप कहेंगे इतने सारे भाव हैं तो इतने भाव में शुभ ग्रह तो होंगे नहीं, क्योंकि शुभ ग्रह तो गिने चुने गुरु शुक्र चंद्र बुध तो चार होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, आप ये चेक कीजिए कि कितने भावों में शुभ ग्रह है या कितने भावों में शुभ ग्रह का प्रभाव है। अगर ज्यादा भावों में शुभ ग्रह और शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो आप ये मान सकते हैं कि उस भाव की समृद्धि होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये मैंने आपको समझा ही दिया कि विचारणीय भाव से 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 यानी कि दूसरा भाव, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव में कोई पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है या पाप ग्रह बैठे तो नहीं है। शुभ ग्रह बैठे होंगे, शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो विचारणीय भाव का समृद्धि होगी। अगर शुभ ग्रह नहीं बैठे होंगे, पाप ग्रह बैठे होंगे, पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो विचारणीय भाव जिसको आपने लगन बनाया है उसकी हानि होगी। ये एक आपको ध्यान रखने वाली चीज है। देखिए, भाव का दुख कब नाश कब होता है या भाव का स्वामी, भाव की हानि कब होती है किसी भाव की, किसी भी भाव की हानि जब होती है जब भाव का स्वामी अष्टम स्थान में गया हो, अष्टम स्थान में गया हो, सूर्य की किरणों से अस्त हो गया हो या नीच राशि में हो या शत्रु क्षेत्र में हो और शुभ ग्रहों से युक्त न दृष्ट हो, उस भाव का नाश होता है। सपोज कीजिए कोई भाव आपका है तीसरा भाव, उसका स्वामी बनता है बुध, वो अपने से आठवें में गया, अपने से आठवें में गया। अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो लग्न से अष्टम की बात नहीं कर रहा हूं, भाव के स्वामी से अपने से आठवें में जाने की बात कर रहा हूं। भाव का स्वामी जो है, सपोज कीजिए आप चौथे भाव का विचार कर रहे हैं तो चौथे भाव का स्वामी अगर शुक्र है तो शुक्र को देखिए कि वो अपने भाव से, चौथे भाव से कितनी दूर जाके बैठा हुआ है। यदि वो अपने से आठवें स्थान में चला गया
या सूर्य की किरणों से अस्त हो गया, या नीच राशि में हुआ, या शत्रु राशि में हुआ और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उसमें ना हुई, तो उस भाव के यानी उस भाव के चौथे भाव के आपको दुख प्राप्त होंगे, उसके सुख संबंधित सुख की प्राप्ति नहीं होगी, प्रत्युत दुख की प्राप्ति होगी। तो आप समझे होंगे, किसी भी भाव के लिए निकाल लीजिए इसको। सपोज कीजिए आप पांचवें भाव का देखना चाहते हैं, तो पांचवें भाव का देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि पांचवें भाव का जो स्वामी है, पांचवें भाव का जो स्वामी है वो कौन से भाव में गया है। अगर वो अपने से आठवें में गया है, शत्रु क्षेत्र में गया है, या अस्त हो गया है, या शत्रु राशि में नीच राशि में बैठा हुआ है और किसी भी शुभ ग्रह से द्रष्ट नहीं है, तो उसकी हानि होगी भाव की। और किसी शुभ ग्रह से द्रष्ट है तो उस भाव की हानि में कमी होती जाएगी। सिंपल सिद्धांत ये लगा लीजिए कि शुभ ग्रह से द्रष्ट नहीं तो हानि है, शुभ ग्रह से द्रष्ट है तो थोड़ी बहुत अप होता चला जाएगा, हानि कम होती चली जाएगी, थोड़ा लाभ की तरफ आता चला जाएगा। तो ये एक ध्यान रखने के लिए वाली बात है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया किसी भाव का अपने से अष्टम में जाना, किसी भाव के स्वामी का अपने से अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता, इसी प्रकार से किसी भी ग्रह का लगन से अष्टम में जाना भी अच्छा नहीं होता, किसी भी भाव के स्वामी का लगन से अष्टम में जाना भी अच्छा नहीं होता। यानी चौथे भाव का स्वामी अगर लगन से अष्टम में चला जाए यानी आठवें भाव में चला जाए तो भी अच्छा नहीं होता। अपने से अष्टम में तो अच्छा नहीं होता लेकिन लगन से अष्टम में भी अच्छा नहीं होता, ये ध्यान देने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी यदि लगन से अष्टम में गया हो या अपने से अष्टम स्थान में गया हो, सूर्य की किरणों से अस्त हो, नीच राशि में हो या शत्रु क्षेत्री हो और शुभ ग्रहों से ग्रस्त ना हो, तो उस भाव का नाश होता है, उस भाव की हानि होती है। ये एक आपका ध्यान रखने वाली बात है। अगर इसकी विपरीत कंडीशन है तो उस भाव की वृद्धि होती है, ये आप ध्यान रखिए। अगला नियम ये है, यदि कोई क्रूर ग्रह किसी भाव में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, अस्त हो या शत्रु राशि के अंदर बैठा हो और किसी भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह से युद्ध दृष्ट ना हो, तो उस भाव को बिगाड़ेगा। जैसे हमने आपको बताया कि शुभ ग्रह यदि किसी भाव में बैठते हैं और अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट जाते हैं तो उस भाव की बहुत वृद्धि करते हैं, तो इसी प्रकार से यदि कोई क्रूर ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है या नीच राशि में बैठा हुआ है या अस्त है किसी भाव में बैठा हुआ और वो शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो उसको और भी बिगाड़ेगा। अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो थोड़ा उसको ठीक करेगा। अब जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि ये देखिए मंगल, इस कुंडली के अंदर मंगल जो है आपका पांचवें भाव में बैठा हुआ है, तो पांचवें भाव में मंगल जो होता है वो क्रूर ग्रह होता है, तो पांचवें भाव में मंगल बैठेगा और मंगल पे अगर हम ये माने कि किसी की दृष्टि नहीं है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो मंगल पांचवें भाव की हानि करेगा यानी संतान संबंधी हानि करेगा। लेकिन इतना फायदा जरूर हुआ क्योंकि मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी बृहस्पति की नवी दृष्टि होने से इतना फायदा हुआ कि इसके संतान तो हुई लेकिन दो संतान की मृत्यु होने के बाद तीसरी संतान भी जीवित रही, तो इतना फर्क पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना कि आपका शुभ ग्रह ने अगर देख लिया तो हानि कम होगी, हानि तो हो रही है लेकिन हानि कम होगी। तो क्योंकि इस मंगल को बृहस्पति ने देख लिया इसलिए मंगल की हानि उतनी नहीं हुई, दो संतान के बाद तीसरी संतान इसकी जीवित रही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो मैंने आपको बताया कि क्रूर ग्रह किसी भी भाव में बैठे और अगर वो शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, जैसे मंगल यहाँ आपकी नीच राशि में है, कर्क राशि में, नीच का बनता है मंगल, नीच राशि में हो, अस्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो वो उस भाव की हानि को, भाव की हानि, भाव का नाश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी भाव से आप हमेशा जिस भाव की स्टडी कर रहे हो उससे देखिए कि उससे छठे आठवें और बारहवें भाव में यदि पाप ग्रह हो तो उस भाव का नाश करेंगे। सपोज कीजिए कि आप चौथे भाव की स्टडी कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आपको सातवें भाव की स्टडी करना है, मान लिया सेवंथ भाव का देखना है कि सेवंथ भाव में कैसा होता है, तो सातवें से छठा, सातवें से आठवां और सातवें से बारहवां, इन तीनों भावों को देख लीजिए आप, यदि वहां पाप ग्रह हो तो सातवें भाव की हानि होगी। आई रिपीट, कि किसी भी भाव का आपको विचार करना हो यदि उस भाव से छठे आठवें और बारहवें भाव में अशुभ ग्रह हो, क्रूर ग्रह बैठे हो
और उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो वो उस भाव की हानि करते हैं। जैसे चौथे भाव का विचार करना है तो चौथे से छठा देखिए, चौथे से आठवां देखिए, चौथे से बारहवां देखिए। अगर वहां पे अशुभ ग्रह बैठे हैं और किसी शुभ ग्रह से ग्रस्त नहीं है तो वो चौथे भाव की हानि करेंगे। इसके विपरीत यदि उन भावों में शुभ ग्रह बैठे हों तो उस भाव की समृद्धि करेंगे, या शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो तो उस भाव की समृद्धि करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे ये नियम भी कितना इंपॉर्टेंट नियम है ये वाला। तो कभी भी किसी बात की स्टडी करते हुए आप देख लीजिए कि चौथा भाव का कैसा है, तो चौथे भाव से छठा आठवां और बारहवां भाव भी आप देखिए कि कैसा उसका रहता है। तो आप ये भी देखिए कि चौथे भाव का स्वामी जो गया है वो क्रूर राशि में, नीच की राशि में गया है, शत्रु राशि में गया है, या अस्त है, ये क्या है, अशुभ दृष्टि या नहीं है, तो भी चौथे भाव की हानि होगी। चौथा भाव मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया, कोई सा भाव भी आप ले सकते हैं इसके अंदर। इसी प्रकार से लगन से भी किसी भाव का मान लो विचार करना हो, यानी कि तीसरे भाव का विचार करना है या दूसरे भाव का विचार करना है, तो अपने से 6-8-12 तो है ही है, अपने से 6-8-12 तो है ही है, लेकिन लगन से 6-8-12 जाने में भी उस भाव की हानि होती है। यानी अगर दूसरे भाव का विचार हमें करना है, दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया या आठवें भाव में चला गया या बारहवें भाव में चला गया, तो भी छठे भाव की हानि होगी। यहां वो लगन से गया है, हम दोनों चीज कह रहे हैं कि दूसरे भाव का स्वामी अपने छठे आठवें बारहवें में गया। अगर दूसरे भाव भाव के स्वामी दूसरे भाव से छठे आठवें बारहवें में जिस भाव का विचार करना हो, अगर मान लिया दूसरे भाव का विचार आपने करना है, आपने देखना है कि मेरे दूसरे भाव के फल कैसे मिलेंगे, तो वहां से देखिए कि छठे आठवें बारहवें भाव में कैसे ग्रह बैठे हैं। अगर वहां से छठे आठवें बारहवें भाव में शुभ अशुभ ग्रह बैठे हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि उस भाव के धन भाव की हानि होगी। आपका मतलब धन संचित नहीं हो पाएगा, परिवार में झगड़ा रहेगा, वाणी में वो बहुत कठोरता रहेगी, ये सब प्रॉब्लम्स आपको रहेगी। तो इसी प्रकार से जिस भाव का विचार करना हो, उस भाव का स्वामी यदि लगन से छठे आठवें बारहवें में गया हो तो वो उस भाव को बिगाड़ता है। तो आशा करता हूँ ये नियम आपको समझ में आ रहे होंगे। और मैं आपको एक नियम बता देता हूँ कि देखिए जितना इंपॉर्टेंट भाव होता है या जितना इंपॉर्टेंट भावेश होता है या जितना इंपॉर्टेंट भाव भावेश होते हैं उतना इंपॉर्टेंट कारक भी होता है। अब मान लीजिए आपको किसी भी स्त्री का विचार करना है, स्त्री का आपको विचार करना है, तो अगर सातवां भाव भी आपका स्ट्रांग नहीं है, बलवान बलहीन है, वीक है सातवां भाव भी, सप्तम भाव का जो स्वामी है वो भी पाप ग्रहों के बीच में बैठा हुआ है, वो भी कमजोर है, और सप्तम भाव का कारक कौन हुआ, कारक हुआ शुक्र। मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट भाव के कारक होते हैं, स्थिर कारक होते हैं, चार कारक होते हैं। जैसे पहले भाव का कारक होता है सूर्य, दूसरे भाव का कारक होता है बृहस्पति, तीसरे भाव का कारक होता है मंगल, चौथे भाव का कारक होता है चंद्रमा, पांचवें भाव का कारक होता है बृहस्पति, छठे भाव का कारक होता है मंगल, सातवें भाव का कारक होता है शुक्र, आठवें भाव का कारक होता है शनि, नवे भाव का कारक होता है गुरु, दसवें भाव का कारक होता है आपका बुध, ग्यारहवें भाव का कारक होता है बृहस्पति, और बारहवें भाव का कारक होता है आपका शनि। तो ये सब आपके भाव हैं जिनके कारक दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से यदि किसी भाव कोई भाव बलवान नहीं हो, भाव का स्वामी बलवान नहीं हो और कारक भी बलवान नहीं हो, कारक भी कमजोर हो, यानी कारक से चौथे आठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हों या कारक भी पीड़ित हो, तो निश्चय ही जातक की स्त्री की मृत्यु होती है। अगर सप्तम भाव के लिए रिजल्ट आप देख रहे हैं, तो ये किसी भी चीज के लिए देखना है आपको, कोई भाव के लिए, चौथा भाव हो, पांचवा भाव हो, छठा भाव हो, सातवां भाव हो, तो आपको ये चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं कि चौथा भाव अगर आप देख रहे हैं तो चौथा भाव भी बलहीन है, चौथे भाव का स्वामी भी बलहीन है और चौथे भाव का कारक भी बलहीन है, तो 100% चौथे भाव का नाश हो। और अगर चौथे भाव का स्वामी मजबूत है, चौथा भाव मजबूत है, चौथे भाव का कारक भी समृद्ध है, तो 100% उस भाव की वृद्धि होगी। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखने वाली है, जो इंपॉर्टेंट बात आपकी मानी जाती है। अब किसी भी भाव का नाश करने वाले और कौन सी चीजें होती हैं? किसी भी भाव का नाश करने वाले, आप ये ध्यान रखिए कि विचारणीय भाव से जिस भाव का भी आप विचार कर रहे हो उससे अष्टम भाव का स्वामी
विचारणीय भाव से अष्टम भाव का स्वामी उस भाव का उसकी दशा आ जाएगी तो उस भाव का नुकसान होगा। अगर आप चौथे भाव का विचार कर रहे हैं और चौथे से आठवें भाव की स्वामी की दशा आएगी तो चौथे भाव का नुकसान होगा। विचारणीय भाव से 22वें दृष्ट कोण का स्वामी, दृष्ट कोण आप समझते होंगे एक राशि के तीन भाग किए जाते हैं, 0 से 10 डिग्री का एक दृष्ट कोण होता है, तो 22वां दृष्ट कोण बैठा आठवें भाव में, सात भाव में तो 21 दृष्ट कोण निकल गए, आठवां दृष्ट कोण 22वें भाव में आया, 22वां दृष्ट कोण सॉरी आठवें भाव में आया। तो कहने का मतलब यह है कि विचारणीय भाव से अष्टम भाव का स्वामी, चौथे भाव से अष्टम भाव का स्वामी, अगर चौथे का विचार कर रहे हो आप, वहां से 22वें दृष्ट कोण का स्वामी और विचारणीय भाव से छठे सातवें आठवें भाव के स्वामी, यदि ये दुर्बल हों तो अपनी दशा और अंतरदशा में विचारणीय भाव की बहुत हानि करते हैं। तो यहां तक मैं आपको आज बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस भाव की पुष्टि किस किस भाव ग्रह की दशा में होती है, तो उससे आपको और नियम का आइडिया लगेगा। तो आशा करता हूं कि जितने नियम मैंने आपको बताए हैं आप उनको याद कर लेंगे, उनको रटिएगा मत, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। और काइंडली अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय भारत।